ईरान के आगे नरम पड़ गया है अमेरिका। जी हाँ, आपको ये यकीन नहीं होगा लेकिन मैं सबूत भी दूंगा हमेशा की तरह, तभी तो आप यकीन करते हैं ना। लीजिए सीधा पहले सबूत, ये देखिए अखबार में, यूके का सबसे बड़ा अखबार द टेलीग्राफ, उसके अंदर खबर है कि यूके जो प्लान कर रहा था ईरान की IRGC यानी ईरान की मिलिट्री फोर्सेस को ब्लैकलिस्ट करने के लिए प्लान कर रहा था और बैन करने वाला था, टेररिस्ट घोषित करने वाला था, यूके के उस प्लान को बाइडेन प्रशासन ने रोक दिया है और कहा है कि प्लीज आप ईरान की IRGC को ब्लैकलिस्ट ना करें, बैन ना करें, टेररिस्ट ग्रुप घोषित ना करें। अब दोस्तों इसके पीछे नरमी की वजह क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। नरमी की वजह कोई बड़ी नहीं है, वजह यह है कि ईरान के साथ खुद अमेरिका ने कहा है अगर आपने ऐसा किया तो ईरान के साथ जो बातचीत का एक रास्ता है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि कतर और यूके यानी ब्रिटेन ही मिलकर ईरान को बातचीत की टेबल पर अमेरिका के सामने लेकर आते हैं। तो अमेरिका को यह डर है कि अगर यूके ने भी हमारी तरह टेररिस्ट घोषित कर दिया ईरान के IRGC को, तो फिर ईरान इतना भड़क जाएगा कि वो हमसे बात ही नहीं करेगा और इस यूके के अलावा कोई उसको बिठा नहीं सकता बात करने के लिए। तो ईरान के लिए यही बोला है बाइडेन प्रशासन ने यूके को कि भाई साहब आप ये काम मत करना। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि दुनिया की ऐसी बड़ी बड़ी खबरें जो आपको मिल ही नहीं सकती और मिलती भी नहीं है, वही खबरें छाट कर आपके लिए आता हूँ लेकर मैं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके मतलब की खबरें आपको मिलती रहें। उधर कतर में भी ईरान और अमरीका बातचीत कर रहे थे अपने अपने कैदियों की अदला बदली करने के लिए, लेकिन ये बातचीत फेल हो गई। तो ईरान ने सीधा इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा दिया है कि उसी की गलती की वजह से और उसी की चालाकी की वजह से, अमेरिका की चालाकियों की वजह से ये बातचीत फेल हो गई है और हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान पर बड़े इल्ज़ाम लग रहे थे और कहा यह जा रहा था कि वो काफ़ी तेज़ी से न्यूक्लियर बना रहा है और परमाणु बम बना सकता है। ऐसे में इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉच डॉग की टीम ईरान पहुंच गई है। जर्मनी भड़क गया है, मैंने आपको कल ही बताया था कि इस काम पे तो भड़केगा ही। जर्मनी के एक नागरिक को जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर मौत की सज़ा सुना दी है ईरान ने। इसके बाद भड़कते हुए जर्मनी ने टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाते हुए दो ईरानी डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया है। पूरा आपको वेस्ट देश ईरान के खिलाफ नजर आएगा, सब के सब एक तरफा ईरान के खिलाफ है। ऐसे में स्विट्जरलैंड की अम्बेसडर जो ईरान में ही हैं वो बुरखा पहन के, नकाब पहन के धार्मिक स्थलों पर चली गई मौलवी के साथ, पूरी ईरान की डेलीगेशन कमेटी के साथ, वहाँ की जो कमेटी थी, प्रशासन था और इमाम थे, उनके साथ ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे आईं जहाँ पर वो रोज़े और धार्मिक स्थलों पर वो गईं, जिसके बाद पूरी दुनिया में इनकी आलोचना होना शुरू हो गई है। ये स्वीडिश एम्बेसडर नादीन ओलिवेरी लेजानो हैं जिन्होंने चादर यानी बुरखा ऊपर से नीचे तक पहना और ईरानी लोगों के साथ ईरान के धार्मिक स्थलों का दौरा किया। सोशल मीडिया पे इनका जमकर विवाद खड़ा हो गया है, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जहां हिजाब छोड़ा जा रहा है और ईरान के खिलाफ प्रदर्शन सारी दुनिया में हो रहा है, स्वीडिश एम्बेसडर हिजाब ओढ़ रही हैं। पता देखिए आपको ये भी है कि ईरान के सऊदी अरब और इजिप्ट से रिश्ते ठीक नहीं हैं। ऐसे में विदेश मंत्री जो ईरान के हैं वो इस वक्त इराक पहुंचे हुए हैं और इराक ही सऊदी अरब से ईरान की और इजिप्ट से ईरान की बातचीत करवा रहा है। यही एक अकेला जो इराक है वो ईरान की सऊदी अरब से और इजिप्ट से, दोनों से बातचीत करवा रहा है। बातचीत का रास्ता इसी ने इराक ने खोला हुआ है। अब इराक पहुंचे हुए हैं ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पहले तो इराक का, फिर मक्खन लगा कर कहा है कि कृपया हमारी बात सऊदी अरब से करवाइए और इजिप्ट से भी, क्योंकि आपको मालूम है एक बार फिर से सऊदी अरब और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी वो रुक गई है। अब दोस्तों I2U समझ लीजिए, I2U एक अलग ग्रुप है। I2U मतलब इसमें I स्टैंड फॉर इंडिया एंड इजराइल, 2U का मतलब
दो यू, तो USA और UAE, ये चार देश बातचीत करने के लिए अबू धाबी पहुंच गए हैं। इनका एक अलग ग्रुप बना हुआ है जिसमें इजराइल, UAE, इंडिया और US है। उधर कल रात को मैंने लेट नाइट आपको अपडेट दिया था कि इजराइल ने फिलिस्तीन के नैबलस के इलाके पर हमला किया। रेड के दौरान अब जो मारे जाने वालों की संख्या है वो बढ़कर 11 हो गई है। 11 फिलिस्तीनियों को बेगुनाह गोलीबारी करके कत्ल कर दिया है और घायलों की संख्या 150 से पार हो चुकी है। अब आप समझ लीजिए कि फिलिस्तीन इतना परेशान हो चुका है कि फिलिस्तीन ने कहा है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगेंगे मिलिट्री की, यानी बस आप हमारे यहाँ के तैनात हो जाइए, वॉचडॉग की तरह नज़र रखिए कि किस तरह से इजराइल हम पर जुल्म कर रहा है। दूसरी तरफ कई सारे देशों ने तुरंत ही इजराइल के इस पाप की, इस गुनाह की तुरंत निंदा की। आपको बताऊँ, सबसे पहले अमेरिका ही भड़क गया और अमेरिका ने ही नाराज़गी जताई कि आपने ये सही नहीं किया, इस वक्त माहौल बड़ा ही ख़राब है और ऐसे में आपने गलत कदम उठाया। इजराइल के खिलाफ अमेरिका ने ये तो बोला ही, लेकिन अमेरिका के बाद जॉर्डन, सऊदी अरब, इजिप्ट, कतर, UAE और तुर्की ने अब तक आलोचना जमकर इसराइल की है। दोस्तों, इस हमले के बाद जो इसराइल ने किया है नैबुलस में और जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों में गुस्सा है, इस पर खुद हमला करके इसराइल पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है। इसराइल का यह मानना है कि हमास या फिलिस्तीन अथॉरिटी का कोई ग्रुप या और अलकसाम ब्रिगेड जैसे अलग अलग संगठन रॉकेट दाग सकते हैं, हम पर हमला कर सकते हैं। ठीक इसी के बाद हमास ने बयान जारी किया है। हमास ने कहा है कि हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, पानी सर से ऊपर जा रहा है। इसके बाद तो खेल हो गया। इस्लामिक जिहाद ने खुली धमकी दे दी। इस्लामिक जिहाद ने कह दिया इसराइल को कि इसका बदला हम जरूर लेंगे, हम रेस्पॉन्स जरूर करेंगे। अब इसकी वजह से क्लियर हो गया है, जैसे मैंने चार दिन पहले ही कह दिया था कि हालात फिलिस्तीन और इसराइल के बीच बेहद ख़राब होने वाले हैं। लीजिए, हो गए। इसराइल का आतंकवाद अब खुलकर सामने आ गया है। देखिए, भारत में आतंकियों का चेहरा एकदम से सामने आया है, मुसलमानों के खिलाफ, हाँ, जो कत्लेआम कर रहे हैं गौ रक्षा के नाम पर कि हम तो गौ रक्षा कर रहे हैं। भारत में तथाकथित बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े तथाकथित हिंदू संगठन खुलकर कातिलों के समर्थन में सड़क पर आ गए हैं। सबके चेहरे अब क्लियर हो गए हैं, धुंधले जो थे वो चेहरे अब क्लियर हो गए हैं। ठीक इसी समय यहूदियों का भी चेहरा सामने आ गया है। चेहरा ये सामने आया दुनिया के सामने है। UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी कह दिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबने कह दिया, अब UN के चीफ ने बोल दिया कि जो इल्लीगल तरीके से सेटलमेंट फिलिस्तीनियों की सरजमीन और मकानों पर इजराइल कर रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक है, परेशान कर देने वाली बात है, गैरकानूनी बात है, इंटरनेशनल कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है इजराइल, इसराइल को रोकना होगा ये सब। याद होगा सीरिया के दमिश्क के इलाके में एक आम बिल्डिंग पर इसराइल ने रॉकेट दागे थे कुछ दिन पहले। अब खबर यह है कि ईरान के कमांडर समेत 2 से 3 ऐसे ड्रोन एक्सपर्ट ईरान के थे जो उस बिल्डिंग में बातचीत कर रहे थे ड्रोन्स को लेकर। काफी आगे की प्लानिंग चल रही थी, हालांकि निशाना तो थे वो, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। न ईरान का कोई कमांडर, न ईरान का कोई मिलिट्री मैन मारा गया, यानी इसराइल का ये हमला पूरी तरह से फेल हुआ। लेकिन आपको बता दूं, उधर सऊदी अरब और इसराइल की बातचीत लगातार हो रही है और ये कबूतर चल रहा है, दोनों के बीच कबूतर उड़ रहा है। ये कबूतर देखिए, ये कबूतर पहले अमरीका का ये कबूतर उड़ा, जिसका नाम टॉम कॉटन है। ये अमेरिका का सेनेटर है, यानी मंत्री है बाइडन प्रशासन का। ये अमेरिका से उड़ा और मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब में जाकर मोहम्मद बिन सलमान से मिला, फिर वहाँ से ये कबूतर उड़ा और सीधा इसराइल पहुँचा और नेतन्याहू से मिला। अब भारत में रहने वाले और ख़ासकर पुराने ज़माने के लोग तो पहचान ही गए होंगे कि ये कबूतर का मतलब क्या है। हैं चचा, आप तो पहचानते ही होंगे, आप हम लोगों के ज़माने की बात नहीं है, पहले ये हुआ करता था जब मोबाइल वोबाइल नहीं हुआ करता था, तो अपनी महबूबा को संदेश भेजने के लिए एक किसी बच्चों को पकड़ लेते थे कबूतर, कि जा बाबू ये बात जो है अंजुम से कह देना, ये बात नाजिया से, रुबीना से ये बात कह के आना,
और फिर उनका जवाब लेके आना, ये चला करता था पहले के ज़माने में, ये वही चल रहा है गुपचुप गुपचुप। तुर्की ने तबाही की वीडियो एक नई जारी की है, जिसके अंदर ये देखिए ड्रोन फुटेज है और आधिकारिक तौर पर इस वीडियो को जारी किया है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि तुर्की में जो जलजला और जिसे मैं कहूँगा कि अज़ाब-ए-इलाही आया है, ये कितना ख़तरनाक था। मैं तो ये मानता हूँ कि तुर्की के कुछ तो ऐसे ख़तरनाक कदम होंगे जिसकी वजह से अल्लाह ऐसा नाराज़ हुआ। और अगर दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँ कि ये ह्यूमन मेड था, तो इस पर भी कई लोग राज़ी हैं कि हाँ रज़ा भाई आप सही कह रहे थे, क्योंकि कई जगह मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी की साजिश ना हो। लेकिन अगर देखा जाए, साजिश हो या कुछ भी हो, अजाब भी आता है तो वो भी तो किसी ज़रिए से आता है ना, अल्लाह भी अजाब भेजता है तो किसी के ज़रिए भेजता है। बहरहाल तुर्की को सोचना चाहिए कि उससे क्या गलतियाँ हुई हैं। मिडिल ईस्ट की इस स्पेशल रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, हालांकि सभी के जवाब देना नामुमकिन होता है, लेकिन मैं पढ़ता सभी के कमेंट हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।